राधे राधे, जय सियाराम, हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं श्री जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, श्री जी के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बहस करना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप भी हो जाना चाहिए भले के लिए। आज इसका टॉपिक यही है। जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब पति पत्नी दोनों, अगर वो भी बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं, दोनों का बोली चुप ही नहीं हो रहा है, बोली बंद ही नहीं हो रहा है, तो झगड़ा जो है बढ़ता चला जाएगा झगड़ा। तो इससे अच्छा है कि या तो पति चुप हो जाए या तो पत्नी चुप हो जाए, तो वहाँ पे झगड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हम सबसे ऊपर, तो हम सबसे ऊपर। इससे क्या हुआ कि आपका रिश्ता ख़राब होगा, चाहे पति पत्नी हो या माता पिता में भी कभी कभी बहस हो जाता है, भाई बहन में होता है। तो आप चुप रहना सीखिए। अगर आप चुप हो जाएंगे तो आपका ज़िंदगी में जो जितना प्रॉब्लम है वो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब हर चीज़ में जवाब देना, हर चीज़ में बोलना ये ज़रूरी नहीं है, किसी बात को इग्नोर करना है। देखिए, जो हमसे ज़्यादा प्यार करता है ना, उससे ज़्यादा झगड़ा होता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर झगड़ा बढ़ाना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं नहीं मना करूँगा, कंटिन्यू तो मैं बोलूँगा। अगर झगड़ा बढ़ाना है तो, अगर झगड़ा को शांत करना है, नॉर्मल करना है, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई किसी को एक को चुप हो जाना चाहिए। अगर चुप नहीं होगा, झगड़ा चरम सीमा पर चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, कभी कभी आपको चुप हो जाना भी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप चुप हो जाए। अगर आप चुप हो गए ना, तो आपके ज़िंदगी में ऐसे ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चुप, एक सिर्फ मात्र चुप हो जाने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। श्री जी का आशीर्वाद सबको। सिर्फ नाम जप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, बस किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए, ना किसी को बुरा कुट वचन बोलिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को नहीं, सिर्फ घर में नहीं, आप अगल आस पड़ोस सब सबको अपना जैसा मानिए, सबको समझिए कि सब में प्रभु का वास है, ऐसे ही मैं बोलूँगा। तो बस मैं बोलूँगा कि आप लोग चुप होना भी सीखिए। अगर चुप होना सीख जाइएगा तो प्रॉब्लम तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग चुप नहीं होते, बोलना ज़्यादा सोचते हैं, नहीं मैं बोलूँगा, क्यों बोला, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप सोचिए, विचार कीजिए, कोई बात नहीं। वो अगर ज़्यादा बोल रहा है तो हम थोड़ा कम बोल लेते हैं। ज़्यादा बोलने से क्या आप महान आदमी हो जाए, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो कम बोलना सीखिए, आपके लाइफ में ऐसे ही सारे प्रॉब्लम खत्म होते चले जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे। प्रेम से बोले राधे राधे।